नमस्कार, यूपी 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। 9 बजे की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सबसे पहले बात मऊ की करते हैं। पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर को धमकी मिली है। हरि नारायण राजभर को धमकी भरा फोन आया है और जिसमें ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बोलने पर देख लेने की धमकी मिली है। पूर्व सांसद ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पूर्व सांसद की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की और आरोप के मुताबिक ओपी राजभर और अब्बास अंसारी पर टिप्पणी करने पर यह धमकी दी गई है। हरि नारायण राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर भगौड़े विधायक अब्बास अंसारी को घर में छिपाने का आरोप लगाया था। हरि नारायण राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को क्रिमिनल और मुख्तार का शूटर बताया है। फोन पर हमें कहा गया कि ये आप ओम प्रकाश राजभर के घर में आपने अब्बास अंसारी विधायक को देखा है और फिर अगर ऐसा बयान जारी करेंगे तो हम लोग आपको देखेंगे। उसके बाद वो फोन कटिंग कर दिया। तो हमें पता चला है, हमें अंदाज है कि ओम प्रकाश राजभर चूंकि समय बौखला गया है, उसके पार्टी के सारे कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि अपने पार्टी के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव नहीं लड़ाया, सारी टिकट बेचा और पैसा कमाया और उसके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 6-6 करोड़ पर उसने टिकटें बेचा है और पार्टी कह करके छोड़ रहे हैं। और जो हमने अपने बयान में उस पर आरोप लगाया है उसकी पुष्टि कर रहे हैं, इससे ओम प्रकाश राजभर बौखला गया है। फोन पर हमें कहा गया कि तो पूर्व सांसद ने थाने में ये शिकायत दर्ज कराई है कि उसे धमकी भरा फोन आया और फोन आया है कि ओम प्रकाश राजभर और मुख्तार अंसारी को लेकर अगर कोई भी टिप्पणी की तो देख लेने की धमकी दी गई है। भगौड़े विधायक अब्बास अंसारी को घर में छिपाने का आरोप लगाया था हरि नारायण राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर। अभिषेक राय फोनलाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी। अभिषेक बताइए, क्या ये पूरा मामला है धमकी भरे फोन का? आपको बता दें कि घोसी के पूर्व सांसद हैं हरि नारायण राजभर, जो कि फोन पे कल गोमती नगर में उनको फोन पे धमकी मिली थी, जहां पे कुछ दिनों पहले अब्बास अंसारी और ओम प्रकाश राजभर पर इन्होंने टिप्पणी की थी, जहां पे खबर चली थी। उसके बाद उनके जो लोग हैं वो काफी नाराज दिख रहे थे, उसी को लेकर हरि नारायण राजभर को फोन पे धमकी दी गई, उनको देख लेने की बात कही गई, जिसके मामले में उन्होंने गोमती नगर थाने में से एप्लीकेशन दे शिकायत की पूरे मामले में। मगर उसमें जो अभी मामले में संज्ञान में आया है कि जो धमकी दिया था, जो उनको फोन किया था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। माना जा रहा है कि कल से न्यूज 18 पे खबर चल रही थी, जिसके बाद ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जानकारी दी। अरुण राजभर हमारे साथ खुद फोनलाइन पर मौजूद है। अरुण जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि हरि नारायण राजभर को धमकी भरा फोन आया है और आरोप सीधा ओम प्रकाश राजभर पर लग रहे हैं कि उनके खिलाफ टिप्पणी करने पर या आरोप लगाने पर यह धमकी दी गई है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप सुहेल भारतीय समाज पार्टी इन सब मामलों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, और जिस व्यक्ति ने जो भी काम किया है या जिसके ऊपर धमकी वगैरह जो भी बातें हो रही है, कोई भी इंसान उस व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि वो हमेशा नशा में रहते हैं और नशा में रहने वाले व्यक्ति कब क्या बोल देंगे, क्या सब क्या कर देंगे, उसकी कोई ठिकाना नहीं होता है। और कौन धमकी दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, इससे सुहेल भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस यहाँ अगर वो गए हैं तो पुलिस अपना का जांच करेगी जो भी। अच्छा ठीक है, हमारे साथ आपकी बात मैं पूरी सुनूंगी। हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं हरि नारायण राजभर, जिनको ये धमकी भरा फोन आया है। कहिए हरि नारायण जी, आपकी बात सुन रहे हैं अरुण राजभर जी। ऐसा है कि कल के डेट में 4:50 पर एक फोन आया और फोन में यह कहा कि आपने ओम प्रकाश राजभर के घर में क्या अब्बास अंसारी को देखा है, और अगर फिर दोबारा ऐसा फोन करिएगा तो हम लोग आपको देखेंगे।
लेकिन वो तो इनकार कर रहे हैं हरि नारायण जी, वो इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कोई धमकी भरा फोन उन्होंने तो नहीं करवाया। जो भी हो ये हम नहीं कर सकते, बाकी हम गोमती नगर थाने में लखनऊ में FIR कर दिया हूँ। FIR की कॉपी कहिए, मैं आपको भेज दे रहा हूँ, उसमें सारे डिटेल है। अच्छा, क्या क्या बातें कही है उन्होंने, क्या कहा है धमकी भरा फोन जो आया, आपने नंबर नोट किया? उसने यह कहा कि क्या आपने ओम प्रकाश राजभर के घर में अब्बास विधायक को देखा है, और दोबारा फिर ऐसा आपने बयान दिया तो हम लोग आपको देख लेंगे, यही बात कहा उस। अच्छा। और उसके बाद काट दिया। तो आपने वो कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रखा है? मालूम हो गया इनको कि वो ओम प्रकाश राजभर का ही समर्थक है, ऐसे समझ लिए कि वो सुहेल भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता है। आप जो नशा में हमेशा रहते हैं ना, देश और प्रदेश अरुण जी, अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दिमाग नशा में रहने से कुछ नहीं होगा, बोलो दिमाग और ठीक कर दूंगा। तुम आपके पास कुछ है क्या कि धार देगा आपको? पागल पागल बन करके शराबी पूरे बनाते हो, देखे हो तुमने? आप शराबी शराब पी करके पागल हमेशा रहते हो, आपको हम तो गंभीरता से नहीं लेते हैं, छोटा सा कार्यकर्ता। नहीं मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारे बाप का मैं दिमाग ठीक कर दूंगा। क्या है आप हमेशा तुम्हारे बाप का तुम राजभरों को ठगे हो ना, अब तक राजभरों को ठगे हो तुम्हारे कार्यकर्ता? हम तुमको बता रहे हैं कि तुम क्या हो, झंडा पी करके नाटक कर रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं। साले तुम इतने गंदे लोग हो, करिए ना तुम लोग, इतने गंदे लोग हो, कौन उस पे आपको आपत्ति है? हमको अच्छा, फर्जी नाम लेकर देखिए, अपने अपने शब्दों पर आप दोनों ही ध्यान दीजिएगा। अरुण जी आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर SBSP की तरफ से कोई ऐसा फोन नहीं किया गया, ठीक है मान ली आपकी बात मैंने, लेकिन आप ये बताइए कि अगर कोई ये कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर पर कोई आरोप ना लगाए, कोई टिप्पणी ना करे, तो क्या वो कोई और, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने FIR भी दर्ज कराई है, तो इसका इतना तो साफ है कि फोन आया था उन्हें धमकी भरा। देखिए फोन करने वाला और फोन सुनने वाला अगर उनके पास रिकॉर्डिंग है तो वो सार्वजनिक कर दें कि नहीं हमारे पास इस तरह फोन आया, इस तरह छोड़ दिए, ठीक है। मसला ये है कि लेकिन जो FIR की कॉपी है वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन्होंने वाकई FIR की है। विवेचना करने का कि इनका काम है, पुलिस काम करे विवेचना करेगी, और जो भी इनमें इनको धमकी देने वाला हो तो सामने आ जाएगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इनके मसले पर बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, और इनको कब क्या कौन बोलता है ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इन सब विषयों बहुत चर्चा नहीं करती है। इनको अगर किसी ने धमकी दिया है तो ये अपना पुलिस के पास जाए, अपना कार्रवाई करा, में हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और सुहेल भारतीय समाज पार्टी का नाम लिए बिना जी नहीं सकते, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लिए बिना ये जी नहीं सकते। बिल्कुल, पुलिस के पास तो वो चले गए हैं, FIR उन्होंने दर्ज करा दी है अरुण जी, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई इनको गंभीरता से लेता ही नहीं है। जब जिस व्यक्ति को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है, सब जानते हैं कि हमेशा नशा में रहते हैं। चलिए आपने अपनी बात रखी, SBSP की तरफ से ऐसा कोई फोन नहीं करवाया गया, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन